हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्तमान फिल्म स्टॉक। तो आज हम फिर से कुछ ब्रेकआउट स्टॉक डिस्कस करेंगे और उनमें क्या सिनेरियो बन रहा है उसको फिर हम डिस्कस करके उस हिसाब से हमारा नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे। तो अगर आप देखते हैं तो ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट यहाँ पे ओपन है और जैसे कि हम कुछ लास्ट वीक से डिस्कस कर रहे हैं तो ये एक चैनल को भी फॉलो कर रहा है और ये जो चैनल का अपर एंड था यहाँ पे लास्ट वीक में इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था और अभी फिर से उसको ब्रेक करने के लिए ट्राई कर रहा है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी बुलिश अभी हमें लग रहा है और अगर इसके ऊपर जाएगा तो ये एक नया फिर जोन इसके लिए बन जाएगा ये ब्रेकआउट होने के बाद और काफ़ी ऊपर इससे और वो जा सकता है। तो ये तो था जस्ट एक एनालिसिस। अभी हम जो स्टॉक डिस्कस करेंगे उसमें से जो पहला स्टॉक है वो है IZMO करके स्टॉक है, IZMO लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये एक आईटी कंपनी है और इसको हमारे डिस्कस करने के पीछे का जो रीज़न है तो अगर आप देखेंगे तो ये मंथली कैंडल अगर हम देखते हैं तो 2007 का ये जो लेवल था उसको अभी ये फिर से ब्रेक करने के लिए ट्राई कर रहा है फर्स्ट टाइम। तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हम से कह सकते हैं। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 397 या राउंड फिगर हम पकड़ते हैं तो 400 का होगा और उसके बाद जैसे कि आपको पता है हम ये जो डाउन का लेवल है उसको ही हम ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से उसका जो टारगेट निकल के आता है वो ऑलमोस्ट 99% का आता है। तो अगर हम 10% का स्टॉप लॉस रखते हैं तो इसमें हमें रिस्क रिवार्ड मिलता है 1:9 जो कि काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड हम कह सकते हैं। इसमें हम जब ये लेवल ब्रेक होगा उसके बाद एक थोड़ी सी पोजीशन बना सकते हैं पहले और अगर वो कंटिन्यू ऊपर जाता है तो कोई बात नहीं और अगर नीचे आता है और फिर से ये जो लेवल है ये लेवल के पास कुछ टाइम बिताने के बाद अगर वो ब्रेकआउट देता है तो फिर हम नई पोजीशन इसमें अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं और 10% हम इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि काफ़ी लंबा ब्रेकआउट है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो लोग फंसे थे वो यहाँ पे निकलने के लिए अभी ट्राई करेंगे। तो ये जो है यहाँ से अगर नीचे आता है तो हमें 10% के स्टॉप लॉस के बाद निकल जाना है और फिर से जब ये ब्रेकआउट देगा तब हम फिर से चाहे तो इसमें एंट्री कर सकते हैं। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है इसके लिए इसमें स्टॉप लॉस काफ़ी ज़रूरी है और वो अगर आता है तो हमें स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप फिर से इसमें फंस सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं इसका लो जो बना था वो 9 रुपये का बना था ऑलमोस्ट, यहाँ पर 8-9 के आसपास लो बना है इसमें। तो 400 का स्टॉक 9 रुपये तक भी नीचे आ सकता है क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है और 9 रुपये से फिर से अभी ये 400 भी गया है तो ऐसे स्टॉक में ये रिस्क काफ़ी बड़ा होता है। इसके लिए स्टॉप लॉस इज द बेस्ट प्रोटेक्शन दैट वी कैन हैव। सो जब भी स्टॉप लॉस आता है तो बिना हिचक हमें स्टॉप लॉस ले लेना है और अगर फिर से इसमें कोई मौका बनेगा तो हम फिर से इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लेना ही चाहिए स्मॉल कैप कंपनी या मिड कैप कंपनीज में। देन नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है ग्लेनमार्क फार्मा। तो ये तो काफ़ी वेल नोन कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसे हम जो कंसिडर कर रहे हैं इसका भी सेम रीज़न है। अगर आप देखते हैं तो ये मंथली ब्रेकआउट आ रहा है इसमें और वो आ रहा है ऑलमोस्ट 2015 के बाद। अगर आप देखते हैं तो 2015 से लेके अब तक मतलब 9 साल का ये ब्रेकआउट है। तो ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं जो जितने लंबे होते हैं उतने अच्छे ब्रेकआउट होते हैं, उसी के साथ ये इसका जो लाइफ टाइम हाई लेवल था उसके भी ऊपर अभी ये जाने की ट्राई कर रहा है, मतलब इसके बाद ये काफ़ी अच्छा अभी ऊपर जा सकता है। तो इसमें सेम अगर हम लॉजिक लगाते हैं तो ये डेप्थ को अगर हम ऊपर फिर से मार्क करेंगे तो हमारा जो टारगेट निकल के आता है वो आता है ऑलमोस्ट 2282 के आसपास का जो कि 81% है। तो इसमें भी अगर हम 10% का हमारा स्टॉप लॉस रखते हैं तो 1:8 रिस्क रिवार्ड में मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड हम कह सकते हैं। तो ग्लेनमार्क जो है ये कंपनी तो हम सभी को पता है काफ़ी अच्छी वेल नोन कंपनी है फार्मा सेक्टर की, तो इसे हम
एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज भी रख सकते हैं। थोड़ा स्टॉप लॉस जो मैं कहता हूँ 10% का हमें लगाना है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आता है तो हमें इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस जो होता है वो हमारे कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो जब स्टॉक्स होते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस अगर आता है तो हमें लेना चाहिए, और जब री एंट्री का मौका मिलेगा तब इसमें चाहिए तो हम फिर से री एंट्री कर सकते हैं। तो ये जो दो स्टॉक्स थे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसीलिए हमने डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इनको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के जो अपडेट्स हैं वो आपको तुरंत मिल सके और आप उनको देख के आपके डिसीजन और स्टडी कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।